वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, उसमें कैसे क्वांटिटीज को निकाला जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड और भी जो वीडियोस आते रहें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीटली क्वांटिटी सर्वे के बारे में, जिसमें आप लोगों को क्वांटिटी सर्वे ऑन कॉन्क्रीट, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, टाइल्स, पेंट, पुट्टी, व्हाइट वॉश के लिए हम लोग कैसे उसके मटेरियल्स की क्वांटिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते थे क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो उसमें आप लोगों को पता है कि कॉन्क्रीट मिक्सर बनाने के लिए हमको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग एक अमाउंट में वाटर मिक्स करते हैं जिससे हम लोग कॉन्क्रीट मिक्सर बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले कंपोनेंट की कंक्रीट के, तो वो होता है आपका सीमेंट। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो सीमेंट का जो ओरिजिन है वो 1824 में जोसेफ एस्पडीन नाम के एक मेसन ने, जो ब्रिक वर्क का काम करते थे, उन्होंने इसको खोजा। कैसे कि उसने जब रॉक्स को निकाला खदान से, तो वहां पे उस रॉक्स को उन्होंने फाइन एग्रीगेट्स में कन्वर्ट किया, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, और वो चीज आपकी सीमेंट बन के आई। और ये जो खोज हुई थी वो इंग्लैंड के पोर्टलैंड जगह में हुई थी, तो इसीलिए जो हमारे सीमेंट का नाम हो जाता है वो हो जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। इसलिए हम लोग दो टाइप के जनरली पोर्टलैंड सीमेंट देखते होंगे, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हम लोग जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, दूसरा आपका पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट जिसके बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण हम उनको प्लास्टर वर्क में जनरली यूज करते हैं। तो अगर मैं ओपीसी की बात करूं दोस्तों, तो ओपीसी में आपके जनरली 3 grades आते हैं, 43, 33 और 53। तो यहाँ पे जो 33 ग्रेड का जो सीमेंट है वो आजकल बहुत कम यूज़ होता है, जो हमारे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जो 43 है जनरली हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 43 ग्रेड का ओपीसी यूज़ करते हैं। अगर मेरे को मास कॉन्क्रीटिंग करानी हो, डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कराना हो, तो वहाँ पर मैं 53 ग्रेड का सीमेंट यूज़ करता हूँ। इसके लिए जो हम आईएस कोड यूज़ करते हैं, जो जितने भी हमारे मिक्स डिज़ाइंस होते हैं उसके लिए जो हम लोग आईएस कोड यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं IS 456:1062, जिसमें आपके डिजाइन मिक्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो मिक्स रेशियोज रहते हैं वो, अगर मैं M10 से बात करूं तो M10 के लिए आपका जो मिक्स डिजाइन का रेशियो रहता है वो होता है 1:36, M15 के लिए 1:4, M20 के लिए 1:1.5:3 और M25 के लिए 1:1:2। तो ये कुछ रेशियोज हैं, इसके ऊपर के जितने भी मिक्स डिजाइन हैं उसके लिए हमको प्रॉपरली मिक्स डिजाइन बनाना पड़ता है, जिसमें हम लोग रेशियोज को देखते हैं कि हमको कितनी क्वांटिटी में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को डालना है। तो ये बात हो गई दोस्तों सीमेंट की, जिसके लिए हम लोग आईएस कोड यूज करते हैं 456:1062। अब मैं यहां बात करूं अगर सैंड की, तो आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहां जो सैंड है, वहां सैंड में हमको जो जोन यूज करना रहता है, उसकी जो ग्रेडिंग यूज करनी रहती है, वो ग्रेडिंग होती है आपकी IS 383 से। तो IS 383 में आपका जो कोडिंग दिया हुआ है, आपका जो IS कोड है, उसमें आपको सैंड को उनके जोन्स के अकॉर्डिंगली, उनके ग्रेड के अकॉर्डिंगली डिवाइड करने बोला गया है। तो हम लोग जो RCC वर्क यूज करते हैं, जो हम लोग कॉन्क्रीटिंग यूज करवाते हैं, उसमें जनरली हम लोग Zone 1 से Zone 3 का सैंड यूज करते हैं। ये चीजें आपको IS 383 में मिल जाएंगी। ये तो कुछ बात हो गई सैंड की। अब हम लोग अगर बात करें एग्रीगेट की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं नॉर्मल पीसीसी वर्क के लिए, तो हमारे जो पीसीसी वर्क के लिए एग्रीगेट का हम लोग जो साइज यूज करते हैं वो 40 mm का यूज करते हैं, पर आरसीसी में जो हम लोग एग्रीगेट का साइज यूज करेंगे वो यूज करेंगे 20 mm का। एग्रीगेट में भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं, जैसे कि आपका इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। तो इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, मतलब यहां पे जो हमारा एग्रीगेट है वो कितना इंपैक्ट झेल पाएगा जब हम लोग उस पर टेस्टिंग करेंगे, तो उसके लिए हमको उसकी टेस्ट करना बहुत जरूरी है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की कॉन्क्रीट बनाने के लिए। इसी तरह से हम लोग ब्रिक वर्क के लिए जब निकालते हैं, तो ब्रिक वर्क में हम लोग जनरली नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं और उसमें लगने वाले मोर्टार की क्वांटिटी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे कि हमारा जो ब्रिक वर्क हुआ है वो फ्लाई ऐश ब्रिक से हुआ है,
तो आप जब भी देखेंगे कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो भी गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं उसमें हमारा जो फ्लाई ऐश ब्रिक ज़्यादातर यूज़ होता है ना कि रेड ब्रिक्स। तो यहाँ पर जस्ट उसका इम्पैक्ट होता है आपके एनवायरमेंट से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो रेड ब्रिक्स होते हैं वो ओपन भट्टीज में बनते हैं, बट फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए हमको कोई भी एनवायरमेंट में पॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, इसलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज़ करती हैं। और इसमें जो लगने वाले मोटार है, मोटार इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड विद अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन इट। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालना होगा। तो जस्ट मेरे को कितना वॉल्यूम है मेरे वॉल्स का, उन वॉल्यूम्स की हेल्प से मैं नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकता हूँ, जबकि मेरे को पता होगा कि अगर मेरे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले हैं उसके हिसाब से मैं उसमें कितने क्वांटिटी में मोटार लगेगा, कितनी क्वांटिटी में सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी लगेगी। अब जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि क्या क्या हम लोग क्वांटिटीज निकालते हैं कॉन्क्रीट के लिए, ब्रिक वर्क के लिए, वैसे ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा ब्रिक वर्क हुआ है वहां पे अगर मेरे को प्लास्टर की क्वांटिटी करानी होगी तो प्लास्टर का अगर मेरे को सबसे पहले प्लास्टर अगर मेरे को करवाना होगा तो वहां के लिए मेरे को जो आउटर वॉल्स होती हैं जनरली जो रफ सरफेस हम लोग बोलते हैं वहां पे 15 mm का प्लास्टर कराना पड़ता है, पर जो हमारी इनर वॉल्स या स्मूथ सरफेस होती है वहां पे हम लोगों को 12 mm का प्लास्टर कराना होता है। पर प्लास्टर कराने से पहले आपको दो तीन चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है कि सबसे पहले वहां पे प्रॉपर पॉइंटिंग हो, जो भी एक्स्ट्रा मोटार है उसको हम लोग रब करके निकाल देते हैं ताकि उसके कारण कोई भी क्रैक्स डेवलप ना हो, हम लोग प्रॉपर पानी उसमें डलवाते हैं ताकि वो कॉन्क्रीट जो मोटार है उसका पानी वो ना सोख सके, तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, वो कुछ इस तरह से ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो प्लास्टर की भी क्वांटिटी निकालते हैं वहाँ पे भी हमारा मोटार ही यूज़ होता है, जिसमें हम लोग सीमेंट और सैंड की ही क्वांटिटी निकालते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन की, फुटिंग वर्क की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो फुटिंग वर्क होता है उसमें कितनी क्वांटिटी में हम लोग जो कंक्रीट मिक्स कराते हैं उसमें कितनी क्वांटिटी में हम लोग को सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा, वो सब चीज़ें हम लोग निकालते हैं क्वांटिटी सर्वे की हेल्प से। और उसके साथ साथ में ही उसमें जो लगने वाली क्वांटिटीज़ हैं, जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी है, उसको काम करने के लिए जो मेसन लगेगा, जो लेबर लगेगा, जो हमारे हेल्पर्स लगेंगे, उनका कैसे रेट एनालिसिस करेंगे हम लोग, कैसे उनके रेट्स को निकालेंगे कि हमारे फुटिंग वर्क में कितने क्वांटिटीज के साथ हमारा कितना रेट होगा, वो सब निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस सीखना है या जानना है इसके बारे में कि इसको कैसे निकालते हैं और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए सिविल गुरुजी लाया आपके लिए लर्नर्स वीक, जो हमारा फ्रेशर्स वीक के नाम से चल रहा है, जो कि आपका 12 जुलाई तक के ही है। और ये फ्रेशर्स वीक में आपको जो हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है वो 9,000 rupees में मिल रहा है। इसको जल्द से जल्द अवेल कराइए, हमारे साइट में जाइए www.civilguruji.com पे, और उसके साथ साथ में ही आप प्ले स्टोर में सिविल गुरुजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको एस्टिमेशन सिखाया जाएगा कि हम बिल्डिंग का कैसे एस्टिमेशन करते हैं, उसके बाद उसमें BBS की कितने क्वांटिटी में हमको स्टील लगेगा, कितनी उसकी क्वांटिटी लगेगी, ताकि हम जितने भी डैमेजेस हैं उनको कंट्रोल करके चल सके, उनको ध्यान में रख के चल सके। उसके साथ साथ में आपको सीखने को मिलेगा क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, और उसके साथ में ही जब आपका पूरा बिल्डिंग बन जाता है, जो हमारे पास सबमिशन जो डेट रहती है उसमें जो बिलिंग का काम रहता है, जो बिलिंग इंजीनियर का काम रहता है, तो आपको एक बिलिंग पार्ट भी सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में ही आप लोगों को 4 सॉफ्टवेयर सिखाया जा रहा है, 4 सॉफ्टवेयर में सबसे पहला आपका ऑटोकैड, जिसमें आप लोगों को पूरी सबमिशन ड्राइंग सिखाई जाएगी कि कैसे आपको सेप्टिक टैंक से लेके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लाइन डायग्राम, सेक्शन, एलिवेशन, ये सब चीजें आपको ऑटोकैड में सिखाई जाएगी। रैबिट आर्किटेक्चरल में आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं अपने ड्राइंग की। उसके साथ साथ में ही आपको ETAP सिखाया जाएगा। ETAP में आप पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे करते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ बार्स लगाने, कितने डाया के लगाने हैं, वो सब एनालिसिस आपको ETAP में सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में ही एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जिसमें
आप पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, उसको ट्रैक कैसे कैसे करते हैं, पूरे रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, वो सब चीजें आपको एमएसपी में सिखाई जाएगी। उसके साथ साथ में ही आप हार्ड वर्क को कैसे स्मार्ट वर्क में कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपको एमएस एक्सेल सिखाया जाएगा, एमएस ऑफिस सिखाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे कंप्लीट करना है उस चीज को आपको बताया जाएगा। तो इस तरह के कोर्सेज आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको जस्ट कोड अप्लाई करना है गुरुजी, जिसमें आपको ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स 9000 में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो अभी जाइए दोस्तों हमारे वेबसाइट में, जो कि है www.civilguruji.com, और इस ऑफर को अवेल करिए और अपनी ग्रोथ को एक स्टेप आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से हम लोगों ने बात किया कि क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या होता है, क्वालिटी चेकर का काम क्या होता है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ, मैं लाते रहूंगा आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।